हमने आप ये देख पा रहे होंगे सीआर पार्क का हमें यहाँ पे हमें प्रसाद मिल गया है। आप ये देख सकते हो कैसा लग रहा है आज आप मंदिर आए मेरे साथ। यहाँ पे बहुत तरह का फंक्शन होता है, बहुत तरीके से बंगाली सारी मिठाई मिलेंगी, बहुत ही टेस्टी है। मिठाई ले लिया, ये भी बहुत फेमस मिठाई है। दोस्तों स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं सीआर पार्क में आ गया हूँ, काली मंदिर में। तो आज चलिए आपको काली मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। तो सामने दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे सामने काली मंदिर, और ये पूरा मंदिर का एरिया बहुत ही जबरदस्त मंदिर है ये। और आप ये देख पा रहे हो सामने ये गार्डन का एरिया है मंदिर के, और ये पूरा प्रांगण यहाँ का, और ये मेन गेट है। जब हम सीआर पार्क आते हैं तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, ये मेन गेट है यहाँ का। सीढ़ियों से आप चढ़ के ऊपर यहाँ से आ सकते हो। तो चलिए मंदिर में चलते हैं। सामने आप ये देख पा रहे होंगे सीआर पार्क का मेन काली मंदिर यही है, और ये पूरा मंदिर का एरिया। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर से भी दिखाएंगे आपको, और आप ये पूरा व्यू देख सकते हैं यहाँ का। दोस्तों ये पूरा मंदिर का एरिया, चलिए आपको दिखाते हैं। फाइनली अभी जब हम मंदिर में घूम रहे थे तो अभी यहाँ पे हमें प्रसाद मिल गया है। ये आप देख सकते हो ये प्रसाद हमें यहाँ से मिला है, महाप्रसाद है यहाँ का, रामनवमी का महाप्रसाद है, और ये अभी हमें मिला है। तो अभी चलिए प्रसाद खाएंगे। देख पा रहे हो ये हमें महाप्रसाद यहाँ पे मिला है, और चलिए इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब कैसा लगा विनोद भाई प्रसाद? बहुत ही अच्छा यार, मुझे तो भाई मजा आ गया यार पार्क में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये प्रसाद। तो विनोद भाई कैसी रही अपनी ट्रिप? बहुत अच्छा यार, ये तो हम बहुत, आज हमें रामनवमी के दिन आए, अगर हम लोग बीच में भी आए होते ना पहले, तो यहाँ पे बहुत तरह का फंक्शन होता है, बहुत तरीके से यहाँ पे जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उस समय लोग यहाँ पे शाम को फैमिलीज के साथ लोग आते हैं मंदिर में, इस मंदिर में, और उसके बाद फिर यहाँ पे सब मैं तो प्रसाद से तो ध्यान ही नहीं हट रहा, इन्जॉय करते हैं। और प्रसाद तो यार बहुत ही बढ़िया है, खिचड़ी जो है ना महाप्रसाद होता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। दोस्तों मैं बता दूं आज जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया है, ये देख सकते हो अमन है। हाँ अमन भाई कैसा लग रहा है आज आप मंदिर आए मेरे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इनवाइट किया मुझे, बड़ी खुशी हुई, मतलब साथ में आके मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मंदिर के अंदर मैं आया बहुत दिनों बाद, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल गई। थैंक यू विनोद भाई। इनका भी एक ब्लॉग चैनल है यूट्यूब पे, तो
तो चैनल का नाम बता दीजिए और हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूंगा, आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे सब। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है आरटीआर लाइफ, @ संगम विहारी करके आप सर्च कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उसमें मैं करता क्या हूँ, बेसिकली मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, तो वहाँ पर मैं बाइक राइडिंग के रिलेटेड वीडियोज वगैरह बनाता रहता हूँ, और जहाँ भी मैं घूमता हूँ बाइक से या फिर कार से, तो उनके रिलेटेड मैं वीडियोज बनाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इनका चैनल का नाम है आरसीआर लाइफ, तो इसमें क्या है ना, ये बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं तो उसकी ब्लॉगिंग करते हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे ये मंदिर का फ्रंट का एरिया है, और इसमें ये देख सकते हैं ये मंदिर पूरा। सामने ये बड़ा सा पार्क है, बहुत ही शानदार पार्क इन्होंने आगे बना रखा है। अलग अलग तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं और बहुत तरह के फूल खिले हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरा प्रांगण है इस मंदिर का। कभी भी आपको टाइम मिले ज़रूर यहाँ पे आए काली मंदिर में, और आज ऐसे भी राम नवमी का दिन है तो यहाँ पे बहुत ही कार्यक्रम से चल रहे हैं यहाँ पे। और चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं आपको। अभी हम काली मंदिर सीआर पार्क आए हुए थे, काली मंदिर हमने पूरा घूम लिया, प्रसाद वहाँ पे खाया हमने, भंडारा खाया वहाँ पे। उसके बाद सीआर पार्क में हम आ गए हैं मेन मार्केट सीआर पार्क में। देख रहे होंगे ये मेन मार्केट है सीआर पार्क का, और यहाँ पे आपको जो कोलकाता वगैरह में जो मार्केट होती है हर तरह का सामान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। स्वीट डिश मिठाइयों की दुकान है, बहुत शानदार है यहाँ पे, बंगाली मिठाई आपको सब तरह की मिलेगी यहाँ पे। और चलो आगे वीडियो में हम आपको यहाँ पे जो जो मिठाइयाँ मिल रही है उसके बारे में दिखाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मेन मार्केट में आ गए हैं, और ये आप देख सकते हो स्वीट स्वीट शॉप है, यहाँ पे हमारे को बंगाली सारी मिठाई मिलेंगी। तो चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। अभी शॉप से हमने यहाँ से मिष्टी दही ले लिया, बहुत ही फेमस और यूनिक डिश है यहाँ के बंगाल की। इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा स्वाद है। बहुत ही टेस्टी है, मैंने भी बहुत जगह मिश्री दोई खाया है, बट ये वाली मिश्री दोई बहुत अलग है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और कई जगह मैंने खाया है तो वहाँ उतना टेस्ट नहीं मिलता, बट इसमें प्रॉपर एक टेस्ट आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट डिश ट्राई करते हैं। अभी हमने मिश्री दोई खाया था, उसके बाद हमने ये मिठाई ले लिया है, ये भी बहुत फेमस मिठाई है। पहला ये मिठाई है संदेश है ये, और दूसरा कौन सा है, गुड़ का खीर। हाँ तो ये अभी हम ट्राई गुड़ में खीर का दम संदेश, इसका स्वाद बताता हूँ आपको। इस मिठाई का सबसे अच्छा मुझे लग रहा है मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। टेस्ट वाइज ज़्यादा मीठा नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है ये खाने में। सही है। अब ये दूसरी मिठाई भी टेस्ट करते हैं, उसका स्वाद बताते हैं। ये भी बड़ी यूनिक सी मिठाई है, अंदर कुछ फिलिंग कर रखी है गुड़ की। इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये मिठाई शायद मैंने पहले कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि ये मिठाई हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। और इन दोनों की अगर बात करें, दोनों मिठाई अच्छा है, बट ये दूसरा वाला जो मिठाई है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं आगे। और दोस्तों अभी हमने तीसरी मिठाई ले लिया है, इसका नाम है रोस्टेड मलाई फ्राई, और मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक मैंने ये मिठाई कभी नहीं खाया था, तो इसको खाते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं आपको। भाई वाली मिठाई खाने के लिए तो आपका कैमरा बंद भी हो रहा है, मारा जा रहा है। बेसिकली इस मिठाई में आपको मलाई का टेस्ट मिलेगा, और ज़्यादा मीठा नहीं है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। और ये मिठाई रेकमेंड है, अगर कभी आते हैं इधर तो ये ज़रूर मिठाई खा सकते हैं आप। फाइनली दोस्तों यहाँ काली मंदिर घूम लिया, उसके बाद सीआर पार्क के मेन मार्केट में आए थे, और यहाँ पे हमने अभी
मिठाइयाँ जो है यहाँ की जो फेमस बंगाली मिठाई है वो हमने ट्राई किया। अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये देख पा रहे होंगे इस समय बारिश का मौसम हो गया, बादल ही बादल हो गए हैं, बारिश भी हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो गया, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।